खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इंफोकॉम कोहिनूर अपार्टमेंट। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। रियासती वजीर मलाई भुट्टो या टीएमसी ने उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के लिए क्या किया, ये तल्ख सवाल सहाफी वजीहुद्दीन जमाल ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के एक प्रोग्राम के दौरान पूछा। उन्होंने कहा कि मलाई भुट्टो को आसनसोल मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो पुरुलिया से तृणमूल के उम्मीदवार होने वाले हैं। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू के शोबे के बारे में मलाई भुट्टो की नीयत साफ नहीं है। वजीहुद्दीन जमाल ने क्या कुछ कहा, खुद उनकी जबानी सुने। लेकिन अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये टीटीवी कॉलेज में एमपी और एमपी का डिपार्टमेंट नहीं कायम था। एमए का डिपार्टमेंट अभी उन्होंने रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में कायम कर दिया है। तो ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। और पिछली बार हमारे आसनसोल के मलाई घटक साहब जो है 40,000 वोट से जीते थे, इस बार जो है उनका वोट 17,000 हो गया। ये 33,000 वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है तकसीम हुआ और मुसलमानों ने आंख बंद करके उनको वोट दिया। और जीतने के बाद वो कसाई मोहल्ला और ओके रोड बाबू तालाब में जाकर के तकरीर कर रहे हैं कि हम अपनी जान देकर भी मुसलमानों के कर्ज नहीं अदा कर सकते हैं। लेकिन वो तरक्याती काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्याती काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्याती काम नहीं कर रहे हैं। और आज हम मैंने खुद वजीहुद्दीन जमाल नाम लेकर के मलाई घटक से ही पूछता चाहता हूँ कि मगरबी बंगाल छोड़ दीजिए, आसनसोल में उर्दू के वालों के लिए और उर्दू वाले मुसलमानों के लिए क्या क्या तृणमूल कांग्रेस ने किया है या क्या क्या मलाई घटक ने किया है या क्या क्या मलाई घटक ने किया है वो बता दें तो हम बहुत उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और नजरुल यूनिवर्सिटी में उनके मैंने जो है नियत साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है। और वाकई अगर वो देना चाहते, और अभी हम आपको ये ऐलान कर दे रहे हैं, दो दिन कबल हमने अखबार में लिख भी दिया था कि वो पुरुलिया से एमपी के कैंडिडेट होंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है पुरुलिया का जो रिजर्व सीट था उसको जनरल भी डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए उनकी सारी तवज्जो पुरुलिया पर है, अब उनको आसनसोल से कोई मतलब नहीं है, अब उनको आसनसोल से कोई मतलब नहीं है और ना आसनसोल के मुसलमानों से कोई मतलब है, आसनसोल के मुसलमानों से कोई मतलब है। इसलिए मुसलमान तो वोट देने की मशीन है, इसलिए मुसलमान तो वोट देने की मशीन है। पहले सीपीएम मजबूरी थी कि सीपीएम को के अलावा कोई चारा नहीं है, ना तो बीजेपी आ जाएगा। अभी तृणमूल के अलावा कोई चारा नहीं है मुसलमानों के पास, ना तो बीजेपी आ जाएगा। और बीजेपी जो है पता नहीं क्या जहर है कि क्या कर देगा, और बीजेपी जो है पता नहीं क्या जहर है कि क्या कर देगा। तो इसलिए जो है मुसलमानों को अकल और सोच से काम लेना चाहिए और वही कि लोटी के पीछे कुत्ते की तरह नहीं भागना चाहिए, लोटी के पीछे कुत्ते की तरह नहीं भागना चाहिए। आसनसोल रहबर पब्लिक स्कूल का सालाना प्रोग्राम इतवार को रेल बार नेशनल मैरिज हॉल में मुनाकिद हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने अपने जौहर का मुजाहरा करके बड़ों को खुशगवार हैरत में डाल दिया। नाच गीत नाच गाने से सजे हुए प्रोग्राम का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। काउंसिलर नसीम अंसारी, शादाब खान, खालिद अदीब मुख्तार आलम वदीगर इस मौके पर मौजूद थे। स्कूल के डायरेक्टर दानिश अख्तर ने सबका शुक्रिया अदा किया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद आसनसोल दुर्गापुर सब डिवीजन की जानिब से ईदगाह हाई स्कूल में मौलाना अबू कलाम आजाद के यौम पैदाइश
और यौम तालीम के मौके पर तकसीमी इनामात की तकरीब मुनाकिद हुई। मध्यमिक और हायर सेकेंडरी के होनहार तुलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। वारशिद खान, महजबीन और राफिया को इनकी नुमाया कामयाबी के लिए तंजीम की जानिब से इजाज दिया गया। कासिम अली, अब्दुल जलील, मोहम्मद सुलेमान, मुनीर बेग इस मौके पर मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत मिराज अहमद मिराज ने की। शम्मा अंजुमन के लिए सीमा खातून तैयार रहें। शौकत अली वो भी आ जाएं। उनका नंबर है उर्दू में 86। हट के एक शहर बसता है रानीगंज, वहाँ पर 1 किलोमीटर पे 2 डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है एमए का। एक तो एमए की पढ़ाई हो रही थी डीबी कॉलेज में, और 1 किलोमीटर फासला पे एक और कॉलेज है रानीगंज उर्दू गर्ल्स कॉलेज, उसमें भी एमए का शोभा कायम कर दिया गया। क्या ही अच्छा होता वहाँ। और रानीगंज एक बहुत दूर दराज का इलाका हो गया है और कट गया है। और प्रेजेंटली हमने WBCS जुडिशियल सर्विस दिया है और इंटरव्यू तक गई हूँ मैं। हम रिजल्ट का वेट कर। जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने शुरुआत की उर्दू की, उर्दू कायदा पहली। तो हम जब स्कूल से पढ़ के आते थे हमें उर्दू और अरबी पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश के साथ उर्दू का साथ छोड़ दिया। हमने सग की तरह उसके पीछे पीछे घूमेंगे, ऐसा हम अपने आप को क्यों बना लिए। हमने अपनी क्वालिटी पहचाना क्यों नहीं। हमने अपने अंदर लियाकत पैदा क्यों नहीं किया। हमने क्यों सिर्फ यही एक नाम याद करने के लिए अबुल कलाम आजाद अली रहमा को हमने कयामत की सुबह तक अपनी शनाख्त और निशान सिर्फ बना लिया। क्यों हमने फिक्र नहीं किया। नाज़रीन, वक्त चला है मुख्तसर से वक्फे का। Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung, Nokia, Apple जैसे branded, non-branded Android मोबाइल या iPhone लेनी है तो आज ही आएं SK Infocom में। SK Infocom, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना SK Infocom, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। SK Infocom, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। चमचमाती सफेदी के साथ हाथों का रखे ख्याल, नायरा, एक नाम जो गंदगी का करे काम तमाम, नायरा, अटूट रिश्तों की पहचान, ढुलाई का सुल्तान, झाक में दम और दाम भी है कम। सुंदर केमिकल वर्क्स की नायरा प्लस डिटर्जेंट पाउडर, नायरा वॉशिंग पाउडर, एक्शन नेहा डिटर्जेंट पाउडर, नेहा डिटर्जेंट पाउडर या नायरा एक्टिव डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करें और चमचमाती सफेदी पाएं। खुदरा और थोक विक्रेता के लिए संपर्क करें। हाथों का रखे ख्याल, सफेदी दे बेमिसाल। सुंदर केमिकल वर्क्स, कॉल 9333121857 एंड 9333742004 पर। शहर के बीचों बीच एक आसियानी का ख्वाब कौन नहीं देखता। आसनसोल में कोहिनूर अपार्टमेंट आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। कोहिनूर अपार्टमेंट आपके लिए लाया है मुनासिब कीमत पर मनपसंद फ्लैट, जहां लिफ्ट, पानी, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की निगरानी और पार्किंग की सहूलियत मौजूद हैं। तो देर किस बात की है, आज ही बुक कराएं कोहिनूर अपार्टमेंट, चमन तालाब, आसनसोल। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। छठ पूजा के मौके पर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से वार्ड नंबर 48 के बुधा राम कन्हाई संत के मंदिर में साड़ी तकसीम किया गया और ये नेक काम के मायसी अभिजीत खड़क के हाथों हुआ। पूजा के लिए बस क्या करें, मैं खुदा राम कन्हाई स्थान के सदा सदा सुखी रहें और खुशी रहें। और हम सभी भाई खुदा राम के हैं कि जितने सारे हमें त्यौहार आते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे मानव कल्याण श्री मंत्री मुख्यमंत्री ममता देवी बहुत सारा सुविधा देने के लिए तैयार है।
पावर की जो डिस्ट्रिक्ट का सेक्शन में चल रहा है वो देखिए मुझे देखिए दादा के साथ आगे बढ़िए आस्ते सामने जिसका पास तो कम ही सामने में नहीं रहेगा ठीक है बस जल्दी बढ़िए चल जाता है दादा बहुत यहाँ पर आए हैं इनके पास बहुत चिंतित हैं सुबह से लेकर रात तक हर जगह यहाँ हमारी मामा जी के साथ परिचय बढ़ाकर अपना अपना साड़ी आप लोग बहुत शांति बनाइए दादा आज थोड़ा दो शब्द आप भी बोले छठ पर्व के पावन अवसर पर आप लोग का आप लोगों का ध्यान देना है कि आपका साथ या आपका खबर कौन हर समय रखता है कौन आपका साथ हर समय देता है और हम लोग उसी का साथ देना चाहिए जो हर समय आप लोगों का साथ दे रहता है आप लोगों का साथ देता है इसीलिए कि पिछले दिन भी दुर्गा पूजा का समय हो या छठ पूजा का अवसर हो या फिर जब ठंडा पड़ता है सिंह पे कंबल भी हम लोग लेके इधर देते हैं तो हर साल में 3-4 बार कभी चावल गेहूँ रॉकेट का यहाँ पर काउंसिलर है वो बांटते हैं तो ये चीज हर समय हम लोग आपका साथ में रहते हैं और ये सब हम इसीलिए कर सकते हैं कि हमारे माथे के ऊपर हमारा विधायक मलयदा है जो संजय दा बोल रहे हैं कि मामाटी मानुष का सरकार जब से बना है तब से हम लोग सबका काम कर रहे हैं 35 साल एक सरकार था जो किसी का खबर नहीं लिया था जो बंगाल को खोखला कर दिया था लेकिन अभी आप देखिए आपका लड़की अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसको कन्याश्री मिलता है आपका दोस्त यार जो है सबके लिए कुछ ना कुछ मांगिए कि हम लोग सब अच्छा रहे सब खुशी रहे और माँ हम लोग सबको आशीर्वाद दे छठ माँ कि हम लोग एक अच्छा आसनसोल एक नया आसनसोल एक ऐसा आसनसोल बनाए जहाँ पर हम अमन शांति रहे अमन चैन रहे जहाँ हम लोग सब मिलजुल के रह सकते हैं सब कोई एक दूसरे का मदद करे एक दूसरे का साथ रहे यही बोल के मैं अपना वक्त करता हूँ। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में ड्राइंग और तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसमें तकरीबन 300 तुलबा व तालबात ने शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से किया गया जिसे गुलाम रब्बानी ने अंजाम दिया। नकाबत का फरीजा मोहम्मद इजहार आलम ने अंजाम दिया। नादिया कलाम नास आफरीन ने पेश किया। इसके बाद दिगर तुलबा ने अपनी तकरीर को मेहमानों के सामने पेश किया। मेहमान खसूसी में डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी डॉक्टर फारूक आजम जुबैर अहमद कासमी खुशनूद मलिक और रहमानिया हाई स्कूल के हेड मास्टर शुजात हुसैन साहब मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने अपने तासुरात को पेश किया। कॉलेज के जो भी हैं उर्दू डिपार्टमेंट के मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ उनका स्वागत तालियों के साथ किया जाए। डॉक्टर तालीम के नाम पर आपके दिन को महसूस किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश के दिन को तालीम के दिन के बद और कामसानी के साथ स्टेज पर एक एक करके आप यहाँ पर आए सके पर बिगड़े और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा आप लोगों ने किया। तकरीबी मुकाबले में आप लोगों का स्टेज पर आना और यहाँ से अपने ख्याल का इजहार करना चाहे वो जबानी हो या देख कर पढ़ना स्टेज पर आना और सही तौर पर उसको पढ़ना यही बहुत बड़ी बात है। इतनी उनकी नज़र दूर तक देखती थी आज़ादी के 74 साल 70 साल होने के बाद भी हम उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज तक किसी ने उसके बाद कई कमीशन आए लेकिन किसी कमीशन ने ऐसा इन्विटेशन नहीं आया। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इंफोकॉम कोहिनूर अपार्टमेंट। नाज़रीन आज की खबरें बस यहीं तक कल फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।